शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम्हारी हर सांस मेरे एहसान की कर्जदार रहे। मेरी जिंदगी अपनी जान से ज्यादा प्यारी हो, उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं हो सकती। अब आपकी आलियों में भी जंग लगने वाला है। नमस्ते। नमस्ते महेश जी, ये सब्जी अभी तक बाजार क्यों नहीं गई? राधा जी, ट्रक का इंतजार कर रहा हूँ। ओफो, ये काशीनाथ कभी भी वक्त पर ट्रक नहीं लाता। अगर ये सब्जियाँ बाजार टाइम पर नहीं पहुँची तो इनकी ताजगी खत्म हो जाएगी। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये वो लिस्ट है जिसकी पेमेंट आपको कलेक्ट करनी है। और एक काम कीजिए, इन अंडों की डिलीवरी करवा दीजिए। जी ठीक। गंगाराम, मुर्गियों को दाना डालो। जी मैम साहब। नमस्ते राधा बहन। नमस्ते। मंदिर जाकर आ गए? जी बहन, ये लीजिए प्रसाद। माँ का प्रसाद है, खा लो बहन। बाद में खा लूंगी, अभी नहीं खा सकती। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। धन्य हो बहन, आज कई बरसों से तुम्हें अपने पति का सुख नहीं मिला, फिर भी तुम उनकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो। भगवान तुम्हारी पीड़ा को दूर करे। शुक्रिया। आदाब अर्जा भाभी जान। आदाब बटन भाई। आपने इस मुगले आजम बटन अली शेरवानी को कैसे याद फरमाया टाका लगा के? बात ये है कि कुछ दिनों के बाद उनका जन्मदिन है और मैं उस मौके पर उनके लिए एक अच्छा सा लिबास बनवाना चाहती हूँ। ये बताइए क्या बनवाएं? हाँ, क्या बनवाएं? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या बनवाएं। अरे हाँ, जनाबे आली का जन्मदिन है तो कोट पैंट शर्ट चलेगा? किसी की शादी थोड़ी है। अच्छा, तो फिर वो बन गले का जोधपुरी बना दूं? बटन भाई, किसी और की पार्टी में नहीं जाना है, ये उनका जन्मदिन है। सिल्क का कुर्ता पजामा कैसा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, उनके पास बहुत है। तो एक काम करते हैं भाभी जान, लखनवी शेरवानी बनाते हैं और अवधी पैजामा, ये ठीक रहेगा? क्या ख्याल है टाका लगा के? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा,
आप एक काम कीजिए, आप शुरू करवाइए। हाँ तो लेकिन नाप लेना पड़ेगा। लेकिन नाप तो आपके पास है ना। माफ कीजिएगा भाभी जान, इस लिबास के लिए पुराना नाप नहीं चलेगा। जहाँ पनाह को अपनी लंबाई चौड़ाई फिर से नपवानी पड़ेगी। फिर तो आप गए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई नपाना आपके लिए काफी मुश्किल रहेगा। उसकी फिक्र आप ना करें भाभी जान, जिस दर्जी ने नवाब के हाथियों के लिबास सिए हो उसके लिए तो आपके खावीन मूंग की गुड़िया है। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि हुजूर वाला इस वक्त अपनी तशरीफ कहाँ रखे हुए टाका लगा के। ये तो उनके पैर ही जानते हैं। माशाल्लाह टाका लगा के। लेकिन इस उम्र में ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती, अक्सर टाके टूट जाते हैं टाका लगा के। ये टेलर का बच्चा कहाँ से आ गया? ए, तू क्यों गुला हो गया? तू तो गुलाबन, गुलाबन ना, गुलाबन। पहले इस गधे से तो निपट लो। लाहौल विला कुव्वत, क्या जबान पाई है, माशाल्लाह टाका लगा के काट डालूंगा। तो क्या चाहिए? आपका नाम चाहिए हुजूर। पहले खेलो हमारे साथ फिर मिलेगा नाम। ठीक है बला, हमने हमारे बचपन में भी ऐसी छलांगे नहीं मारी, तो इस उम्र में हम क्या मारेंगे, हमें माफी दीजिए। उस तो मिल जाओ यहाँ पे। अरे लेकिन नाप। अरे लेडी, कूदो कूदो। लगता है हुजूर वाला का नाप लेने के लिए हमें कूदना ही पड़ेगा। बता लाली कूदो। अल्लाह आया। हाँ चलो दोस्त, तुमने मेरे पैर क्यों तुए? पैर तो भगवान के तुए जाते हैं। मेरे भगवान तो तुम हो, बैठो। नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरी। हाँ पैर रखो। लो खाओ। तुम भी खाओ ना। मैं खा लूंगी। नहीं तुम मेरे तत खाओ। तो पहला आने वाला अपने हाथों से खिलाओ। भगवान, मेरे सुहाग की उम्र चांद सितारों जितनी हो। बस बस मेला हो गया, मुझे नींद आ ली है। जाओ सो जाओ। किशन, दूध पिए बिना ही सो गए? चलो उठो, दूध पियो। मैं तो तोला हूँ, दूध कैसे पीऊंगा? तुम्हें जगाना मुझे अच्छी तरह आता है। चलो उठो, उठो। मुझे दूध नहीं पसंद। हर चीज पसंद के लिए नहीं खाई जाती, कुछ चीजें सेहत के लिए भी जरूरी हैं। मेरी सेहत तो अच्छी है, देखो। अच्छी बनी रहे इसीलिए तो जिद कर रही हूँ। चलो पियो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। पियो। तुम हर बात पे जिद करती हो।
मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, और दोस्त की हर बात मानते हैं, मानते हैं ना? तो जल्दी से पी लो अच्छे बच्चे। शाबाश, चलो अब सो जाओ। नहीं मैं अब नहीं दूंगा, अब तुमको मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। रोज रोज मैं नई कहानी कहाँ से लाऊं बाबा? मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुमको भी पहली बात माननी पड़ेगी। प्लीज जिद मत करो, मुझे कहानी नहीं आती। मुझे तुमसे कहानी बुलवाना आता है। डिंग 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 डिंग। नहीं किशन, मुझे गुदगुदी मत करना। किशन नहीं, नहीं किशन, किशन नहीं, डिंग 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 किशन, डिंग 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 डिंग। नहीं किशन, आओ। नाला तो कही दोस्त, ठीक है आज के बाद ना मैं तुमको कभी गुदगुदी नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तत्ती तुम्हारी कसम, तो बिल मुझको काली दिलाओ। एक रानी का राजा था। हाँ। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया, शाम हो गई लेकिन राजा वापस नहीं आया। रानी को फिक्र होने लगी कि उसका राजा वापस क्यों नहीं आया। उसने सिपाहियों को जंगल में राजा को ढूंढने के लिए भेजा। सिपाहियों ने सारा जंगल ढूंढा मगर राजा कहीं नहीं मिला। कोई कहता कि राजा को शेर ने खा लिया, तो कोई कहता भेड़िए ने, लेकिन रानी ने किसी की बात नहीं मानी। उसे यकीन था कि एक दिन उसका राजा जरूर वापस आएगा। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसका सुहाग सही सलामत लौटे। वो दोत, अरे क्या हुआ दोत? मेरे तत के बदन नहीं मिलने। तुम क्यों नहीं हो? अरे शर्ट जो उल्टी पहन रखी है, मिलेंगे कहाँ से? चलो उतारो उतारो, अब इसे सीधा पहनो ऐसे। ठीक है अब, ठीक है अब। चलो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लगाया है, चलो। नाश्ता कब से ठंडा हो रहा है, जल्दी खाओ। चलो बैठो, तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। आधा वर्ष है हुजूरे वाला, टाका लगा के जवाब ना देना है तो मत दीजिए, नाश्ता कर लीजिए फिर हम आपका नाप ले लेते हैं। हाँ अभी ले लेती है ना। अरे आप तो दिल्ली के कुतुब मीनार की तरह खड़े हो गए, अभी नाप ले लेते हैं। ये इस कम्बक पेंसिल को भी अभी गायब होना था। ये ये आइए आपके गले का नाप लेते हैं। किशन दोस्त, किशन मेरे दोस्त आ गए, मैं चलता हूँ। हुजूरे वाला, अरे इन कम्बकतों को भी अभी आना था। हुजूरे वाला, अरे हुजूरे वाला मेरी बात तो सुनिए, नाप दीजिए। अरे हम नहीं रुक सकते, हमारे खेलने का टाइम हो गया है। चल किशन, चलो चलो चलो। अरे बिगड़े नवाब, अजीब थान है, हमेशा कटपिसों में घिरा रहता है। अबे रुको रुको, किशन आज तेरी बारी है। किस बात की? कहानी सुनाने की। मैं तो कहानी सुनता हूँ, तुला तक कहा हूँ। अरे वाह, ऐसे थोड़ी चलेगा, तुम्हें सुनानी पड़ेगी वरना हम सब तुमसे कट्टी हो जाएंगे। नहीं नहीं कट्टी मत करना, मैं तुलाता हूँ। हाँ, एक ना मुंगली था, वो ना बगीरा को ढूंढने के लिए जंगल में गया। पता ना खुद के सामने तेल कान आ गया, मुंगली एकदम घबरा गया। मुंगली भागा
तेल उसके पीते भागा, तेल आगे आगे मुंगली पीते पीते, तेल आगे आगे मुंगली पीते पीते। फिर क्या हुआ? वो तेते बनने के लिए मुंगली ना एक तालाब में कूद गया और शेर ने उसके पीछे छलांग लगा दी। तेल को तैरना नहीं आता है। फिर मुंगली की जान बच गई? हाँ तेते तो बच गई, लेकिन एक मगरमच्छ ना खुद के पीते पड़ गया। अब जैसे ही मगरमच्छ ने मुंगली को खाने के लिए मुंह तोला, मुंगली ना तरंग मार के ताल पर पहुंच गया। मुंगली चांद पे पहुंच गया। और जैसे ही तेर ने देखा कि मुंगली ताल पर पहुंच गया, उसने भी तरंग मार के ताल पर पहुंच गया। तेर ना मुंगली को खाने के लिए आगे बढ़ रहा है और मुंगली पीते आता है। तेल आगे आगे मुंगली पीते पीते, तेल आगे आगे मुंगली पीते पीते। अरे तू तो आगे बढ़। अरे बताऊ ना, तेर ना मुंगली तो ताने के लिए आगे बढ़ा तो मुंगली ना पीते आते आते दांत के एकदम तिराले पहुंच गया। और देते ही तेने मुंगली तो ताने के लिए मुंह तोला ना, मुंगली दांत के किने किशन गिर गया, किशन गिर गया, किशन गिर गया, किशन गिर गया। तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि पिता किधर है? तो तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। कत्ती एकदम कत्ती एकदम कत्ती। अरे सुनो किशन, किशन तुम्हें मुझे देख कलाल नहीं हो, तुमसे भी कत्ती तुमसे भी बात नहीं करूंगा। अरे अरे तुम तो नाराज हो गए। अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ। थैंक यू। अरे अरे सोफे पे मत बैठना, गंदा हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही ताला लाऊंगा क्या? नहीं बाबा, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ, फिर जो दिल कहेगा वो करना। दो तीन लोगों से कह दो यहाँ से चले जाए, कितन कत्ती है। ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे दोस्त हैं। अगर दोस्त होते तो हमको कितन में क्यों गिराया? हमने थोड़े गिराया, तुम खुद ही गिर गए। तो बोल नहीं देते थे? अच्छा अब बता देंगी, अब तो गुस्सा थूक दो, मान जाओ ना किशन। नहीं मैं तुम लोगों से नाला दूं। आप मनाइए ना किशन को। ना बाबा ना, गलती तुम लोगों से हुई है, तुम ही मनाओ। Massage.
जलता ये अलियल घोड़ा, इसकी तुम पे मारो कोड़ा। फिट है हम पांचों की गोटी, हम पांचों है यार लंगोटी। नहीं जलता ये अड़ियल घोड़ा, इसकी दुम पे मारो घोड़ा। फिट है हम पांचों की गोटी, हम पांचों है यार लंगोटी। अंदर किधर ताले हो? ए किधर ताले हो? बजट। ए क्या चाहिए तुमको? इधर से उतर। हट रे। यहाँ तो नहीं है। चलो आसपास ढूंढते हैं। मैं तब कूद तमत गया। तुम लोग तुपा तुपी तेल लेते ना? तले गए वो लोग ना, हार के तले गए। अब वो लोग तुम दोनों को कभी पकड़ नहीं सकते। लेकिन वो लोग फिर आ गए तो डल गए। डरो मत, मैं तुम दोनों को ऐसी जगह तुपाऊंगा ना जहां काला चोल भी नहीं पकड़ सकता। एक मिनट, अगर तुम दोनों को तुपा दिया उतने बदले में तुम लोग मुझे त्याग दोगे। क्या क्या चाहिए तुम्हें? धोती धोती तोड़नी पड़ेगी और कान भी तुलाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? ठीक है तो मिला बात। आओ 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 ना, आओ आओ। अच्छा है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अले ये तो लड़की है। हाँ इसीलिए डर रही है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये घर भी मेरा है। यहाँ तुम लोग को कोई ढूंढ नहीं सकता, कथम थे। ऐसे क्या देख ले हो? मैं तो तुम लोगों का दोस्त हूँ। हाँ ये अलग बात है कि हम लोग की पनकली में ना अभी तक कोई लड़की नहीं है। ये पंचकड़ी क्या है? हम पांच दोस्तों की पंचकड़ी। हाँ ए दोस्त, अब दिल्ली से काली तुनाओ ना, बली थी, बहुत बली थी। देखो दोस्त, हम दोनों बहुत थके हुए हैं, परेशान भी हैं। थोड़ी देर आराम कर ले, फिर सुनाएंगे तुम्हें कहानी। चलेगा? चलेगा। अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ उन दोनों को पकड़ना ही होगा, वरना बाबू चीरा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। Ah.
ख्वामखा डरा दिया। बाहर से कह नहीं सकते थे तुम हो। अगर आवाज देता कोई और सुन लेता तो? और इतनी देर से जो दरवाजा खटखटा रहे हो वो कोई सुन लेता तो? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ये लो, तुम लोग के लिए ताना लेकर आया। क्या तोत ले हो? यही कि तुम सचमुच दोस्त कहलाने के काबिल हो। आओ काजल, खाना खा ले। को इस तरह खाते हुए नहीं घूरते दोस्त। ये इतनी तकलीफ तक क्यों खा ली है? उतार क्यों नहीं देती? खाना आता है ना? बहुत अच्छा। आप मुझे कहानी सुनाओ। कहानी? हाँ हाँ सुनो। एक राजा था। नहीं नहीं नहीं, मुझे राजा रानी हाथी वाली ओ वाली कहानी नहीं सुननी है। मुझे तुम एक नई कहानी सुनाओ। यह कहानी किताबों वाली कहानी नहीं है दोस्त, और ना ही इस कहानी के राजा के पास कोई रियासत है, और ना ही हाथी घोड़े। इस कहानी का राजा एक गरीब लड़का है। चल यार, किसे नहीं देख रहा है। जानती हो मैं हमेशा आंखों पे एक काला चश्मा क्यों लगा रखती हूँ? ताकि तुम जैसे भिकमंगों की नजर मुझसे न टकराए। लेकिन आज तुमने मुझे देखने की जरूरत की, वो भी बहुत गौर से। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ यार, ऐसे भीड़ क्यों लगा रखी है? आज उस अमीरजादी ने गीता को थप्पड़ मार दिया। अरे यार, इतनी नफरत है गरीबों के साथ तो ऐसे कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ती जहां लॉर्ड फॉकलैंड की औलादें पढ़ती हैं? दौलत का इतना घमंड, उसका बस चले तो गरीबों पर बुलडोजर चलवा दे। अच्छा, तो कल एक और गरीब उस अमीरजादी को बहुत गौर से देखेगा। You look at me. तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे घूरने की? मैंने कहा तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा हूं? इसका मतलब तुम मुझे देख रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम मुझे क्यों देख रही थी? बताओ, क्यों देख रही थी तुम मुझे? दोस्तों, जब कोई इस अड़ियल घोड़ी की तरफ देखता है तो यह सबके सामने उसे तमाचा मारती है। लेकिन आज इसने सबके सामने मुझे देखा है।
एक गरीब को उसके औकात के हिसाब से एक थप्पड़, तो एक अमीर को उसके हैसियत के हिसाब से कितने थप्पड़ मिलने चाहिए? सिर्फ थप्पड़ की दहशत से तुम्हारे माथे पे यह पसीना उभर आया, तो जरा सोचो जिन्हें तुमने ये बेइज्जती बांटी है उनका दिल कितने खून के आंसू रोया होगा। हम गरीब जुल्म के बदले जुल्म नहीं, कुछ और भी देना जानते हैं, और वो दौलत है माफी। और आज राजा ये खजाना तुम पर लुटाता है, जा, इस गरीब राजा ने तुझे माफ किया। बाकी घर में जितना भी कांच का सामान है सब ले आओ जी। क्योंकि टूटने वाली चीजें खत्म हो गई, लेकिन हमारी बेटी का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। देखिए ना मम्मी, डैडी मेरा मजाक बना रहे हैं। गुस्सा थूक दो और बताओ वजह क्या है जो गिलेरी शेरनी की तरह गरज रही हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है बहन? जरूर आज कॉलेज में किसी ने हमारी गुड़िया की शान में कुछ गुस्ताखी की होगी। गुस्ताखी नहीं की मामा, सबके सामने बेइज्जत किया दो कौड़ी के लड़के ने। दुर्गेश महेश्वरी की बेटी और अपनी बेइज्जती सहकर चलिए। जो एक दिन के लिए अपनी मिले और फैक्ट्रियां बंद कर दे तो इस शहर की आधी आबादी भूखी मर जाए। अरे गला दबा देती उसका, गोली मार देती, अपनी कार के नीचे कुचल देती। कोर्ट कचहरी और पुलिस को हम देख लेते। वाह पोते वाह, आज तेरे पूर्वजों का सीना फक्र से कितना तन गया होगा। वो स्वर्ग में सबसे कहते फिर रहे होंगे कि देखो दुर्गेश अपनी बेटी को कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा है। अरे शर्म तो औरत का गहना है, और तू ये जेवर उतार कर अपनी बेटी के हाथ में बंदूक और रिवॉल्वर देना चाहता है? संस्कार की जगह हिंसा, शराफत के बजाय तू खून खराबा करना सिखा रहा है इसे? अरे इतना तो सोच कि ये तेरी बेटी है, बेटी। अरे दादी माँ, वो जमाने लद गए जब लड़कियाँ चूल्हा और चक्की के सामने अपना जीवन बिता देती थी। ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी। आजकल की लड़कियां मर्दों से कई आगे बढ़ चुकी हैं। हाँ ये तो तू ठीक कह रहा है, इसीलिए तेरी पत्नी तुझे तलाक देकर आगे चली गई और तुझे छोड़ गई यहाँ बहन के टुकड़े तोड़ने के लिए। दादी माँ नाराज क्यों होती हो बहू? लड़की आखिर पराया धन है, उसे दूसरे के घर जाना है। यही लक्षण रहे तो कैसे निभाओ होगी इसकी? चांद घटता बढ़ता है दादी माँ, सूरज नहीं, ये मेरे गर्व का सूरज। जिसे रोशनी चाहिए उसे गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना घर जमाई लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। बेटी मैं जो कहती हूं उसका बुरा मत लगाना, मैं तेरे भले के लिए ही कहती हूं, आखिर मैं तेरे बाप के बाप की माँ हूँ। माँ दादी, आपके और मेरे बीच 3 सीढ़ी का नहीं 3 पीढ़ी का फासला है, इसलिए आप भी ये ना भूले कि मैं आपके बेटे के बेटे की बेटी हूँ। हे भगवान, ये कब मेरी परपोती बनेगी? राजा राजा सुन तो, अरे राजा सुन 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 सुन, अरे राजा मेरी बात तो सुन, अरे सुन तो यार राजा सुन तो, ओ राजा सुन यार। अबे क्या हुआ, क्यों बीच में गुस्सा चला रहा है? देखा नहीं मैच चल रहा है? यार तू तो बिना मैच खेले ही जीत गया। क्या मतलब? अरे यार काजल ने तेरे लिए खत भेजा है। मेरे लिए? हाँ उस्ताद तेरी तो लाइफ बन गई। सरा हमें भी पढ़ के सुना ना क्या लिखा है उसने। डियर राजा, तुम सिर्फ नाम से ही नहीं दिल से भी राजा हो। कल तुम्हारे रवैये ने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। तुमने माफी की दौलत लुटाई, अब मैं प्रायश्चित के मोती तुम्हारे कदमों में बिखेरना चाहती हूँ। मैं लवर्स पॉइंट पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, यकीन है तुम जरूर आओगे तन्हा और अकेले।
मैं चाहती तो तुम्हें इस तरह कुचल देती कि तुम्हें सांस लेने की भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। जिंदा छोड़ी तो सिर्फ इसलिए कि जख्म तुम्हें मेरी ताकत और तुम्हें अपने कमजोर होने का एहसास दिलाते रहेंगे। हाँ ओके इट्स नॉर्मल। काजल बेटी कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? बेटी ये सब कैसे हुआ? मेरा तो कलेजा मुंह पे आ गया था। बेटी ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? बोलती क्यों नहीं है काजल? अरे तेरा मामा उस हरामजादे के पुश्तों का जीना हराम कर देगा जिसने तेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। तुझे उसका नंबर याद है? बता मुझे, बता। भाई साहब ये अस्पताल है। सॉरी डॉक्टर साहब, मामा हो ना? डॉक्टर साहब मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ही अदा करना है तो आप उस नौजवान का कीजिए। वो अगर वक्त पर आपकी बेटी को अस्पताल न लाता तो शायद आप अपनी बेटी को जिंदा न देख पाते। थैंक यू सिस्टर। मेंशन नॉट। हेलो यंग मैन। हेलो सर। मैं काजल कनेरी। ओह मुझे राजा कहते हैं। वेरी नाइस। शुक्रिया। क्या करते हो बेटा? मैं और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। गुड। तुम्हारी गाड़ी के साथ मेरी बेटी की गाड़ी टकराई थी ना? क्या हुआ, हंस क्यों रहे? आप कार की बात करें सर, मेरे पास तो साइकिल तक नहीं है। लो ये रख लो बेटा। ये क्या है सर? थोड़े पैसे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। देखिए सर, जख्मों का मुंह तो सिस्टर ने पट्टियों से बंद कर दिया और दर्द आपने सिर पे हाथ फेरा कम हो गया। अब आप ही बताइए इन रुपयों का क्या करूं? अरे रख लो, वैसे भी दुर्गेश महेश्वरी किसी गरीब का एहसान नहीं रखता। सदियों से अमीर गरीबों की बोलियां लगाते आए हैं लेकिन आज तक कोई ये सच्चाई ना जान सका कि गरीब अपनी मेहनत तो बेचता है अपनी गैरत नहीं। अब जब तक तुम जियोगी तुम्हारी हर सांस मेरे एहसान की कर्जदार रहेगी और दुनिया का कोई भी दौलतमंद मेरा यह कर्ज अदा नहीं कर सकता। अब जब तक तुम जियोगी तुम्हारी हर सांस मेरे एहसान की कर्जदार रहेगी और दुनिया का कोई भी दौलतमंद मेरा यह कर्ज अदा नहीं कर सकता। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो राजा, प्लीज भूल जाओ उस हादसे को। अब तक नाराज हो? नाराज होने का हक उसे होता है जिससे कभी दोस्ती रही हो। हम दोनों तो अजनबी हैं।
राजा। काजल, काजल तुम भीग गए तो बीमार हो जाओगी। हमदर्दी जताने का हक तो उसे होता है जिससे कभी दोस्ती रही हो। हम तो अजनबी है। शायद अब नहीं, लेकिन तुम बीमार पड़ गई तो? अगर तुम भीग गए तो एक ही तरीका है जिससे हम दोनों बच सकते हैं। अगर हम दोनों एक हो जाए तो काजल काजल को कर दिया घायल, मर्जी है तेरी क्या बता। आँखों में लगा के काजल तूने दिल में मचा दी हलचल, मर्जी है तेरी क्या बता। हाँ तुझे जाने मन अपना प्यार दूँ, मैं तुझे प्यार से ये कहूँ। राजा
मौसी, अरे मौसी कहाँ हो तुम? देखो तो तुम्हारे घर कौन आया है। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे अरे मौसी, देख तो सही कौन आया है। नमस्ते मौसी। नमस्ते। कौन है ये लड़की? है मौसी, वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन है कौन? वही एक्सीडेंट वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक्सीडेंट वाली। हाँ? बेटी, अब तो गाड़ी ठीक तरह से चला लेती हो ना? अरे तू फिकर मत कर मौसी, अब तो स्टीयरिंग राजा ने अपने हाथों में ले ली है। बेटे, चांदनी तो हर आंगन में उतरती है, लेकिन मेरे घर तो आज चांद आया है। वाह मौसी वाह, इसी बात पर काजल का मुंह मीठा करा दे। अच्छा तो तेरा नाम काजल है, तू बैठ मैं अभी आई। तो चांद साहिबा, यह है राजा का दौलत खाना, उस तरफ हमाम खाना और ये दीवान खाना, और हाँ यह है शहंशाह अकबर का तख्ते ताऊस। तशरीफ रखिए। कनीस को इज्जत देने का शुक्रिया। आ, आराम से रानी साहिबा, आराम से। झापो ना, आपका ये महल तो बहुत आलीशान है। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है रानी साहिबा। बेटी, हम गरीबों के घर में मीठे के नाम पर बस यही होता है। जिंदगी में पहली बार मिठास को असली रूप में चखा है। क्यों? तुमने मुझे डराया? हाँ? मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं। राजा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? राजा, मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं। सुनो, राजा, राजा तू, मौसी, राजा, क्या हुआ? बैठ, आहिस्ता, आहिस्ता, अब दिखा, बता मुझे कहाँ चोट लगी है तुझे बेटे? अरे मौसी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I am perfectly all right. अरे कितने जोर से चोट लगी है तुझे? तू बैठ इधर, मैं तेरे लिए हल्दी लाती हूँ। ओहो, कहा ना मौसी मैं ठीक हूँ। तू मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है ना? खा मेरे सर की कसम और बता कि तुझे चोट नहीं लगी? तेरे चरणों की सौगंध मौसी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये प्यार और ममता देखकर कौन कहेगा कि आप राजा की माँ नहीं मौसी है। 3 साल का था ये जब मेरी दीदी और मेरे जीजा जी एक हादसे में मारे गए थे, और मरने से पहले दीदी ने इसे मेरे दामन में डालते हुए कहा, सुमित्रा इसका ख्याल रखना और बस। इसकी परवरिश करते करते मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि माँ और बेटे के अलावा कोई और रिश्ता भी मेरे लिए मायने रखता है। अब देख लेना काजल, मेरी मौसी पूरे 3 मिनट और 32 सेकंड रोती रहेगी। अरे पगले, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो अपनी आंखें धो रही हूँ ताकि तेरी जिंदगी में आने वाली खुशियों को और अच्छी तरह देख सकूं। सच, चांद और सूरज की जोड़ी है तुम दोनों की। नहीं मौसी, चांद जब निकलता है तो सूरज छुप जाता है, और सूरज निकलने पर चांद, और हम दोनों तो हमेशा साथ साथ रहना चाहते हैं। भगवान तेरी ये इच्छा पूरी करे। माँ दादी, यादव आपने कहा था भगवान मुझे जल्द से जल्द आपकी परपोती बना दे। मैं ये 3 सीढ़ी का फासला तय करके आपकी वो इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मेरी बच्ची। अरे इस काजल को ये काजल किसने लगाया? ऐसा टीका तो माँ अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए लगाती है, और तेरी माँ तो ये करने से रही। ये टीका तुझे जरूर उसी ने लगाया होगा
जो तुझे अपनी बहू बनाना चाहती है ना यही बात? हाँ माँ दादी। मुझे लड़का पसंद है। आपने कब देखा उसे? हॉस्पिटल में, वही है ना वो। लड़का नेक लगता है और खुददार भी है, तुझे जरूर खुश रखेगा। आप मेरा साथ देगी ना माँ दादी? अरे पगली, प्यार करने वालों का तो भगवान भी साथ देता है। ओ माँ दादी। ये कुंवारी, अरे होली के बहाने रंग रसिया, अरे होली के बहाने रंग रसिया। दाल पकौनी, भात पकौनी, परवल के तरकारी, हर दही बिना रुसल बाड़ी, बर्रा के मतारी। डारो ये कुंवारी, अरे होली के बहाने रंग रसिया, ओ अरे होली के बहाने रंग रसिया। गाल पे तेरे लाल गुलाल लगा दूं, अंज लगा के रंग दे सजना, लाज का घुंघटा उठा दूं। भंग चढ़ा के तूने किया है, भंग चढ़ा के तूने किया है, दिल पे हमरे जादू। खीर पकौनी, पुआ पकौनी, चीनी के तारी, अरे चाशनी बिना रूसल बाड़ी, लड्डू के मातारी। अरे होली के बहाने रंग रसिया, ओ अरे होली के बहाने रंग रसिया। डमरू के मतारी, अरे होली के बहाने रंग रसिया, अरे होली के बहाने रंग रसिया।
इधर आओ। तुम वही हो ना जो अस्पताल में? कल घर आना। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शानो, नमस्ते। ये उमा है, ये पूनम, ये मधु, ये सरिता और ये तपस्या। नमस्ते। नमस्ते। उमा ने ग्रेजुएशन किया है और पूनम इसने एसएससी के बाद पढ़ाई छोड़ दी है और मधु ट्वेल्थ में है और कंप्यूटर सीख रही है और सरिता बड़ी अच्छी फर्म में पर्सनल सेक्रेटरी है और तपस्या को डांस का बड़ा शौक है। ये तमाम लड़कियां बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं लेकिन गरीब है। आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इस सूटकेस में ₹20,00,000 हैं। ये एक शानदार फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स और यह कार की चाबी। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अबे शक्ल से इतना बेवकूफ नहीं लगता है तू? इनमें से जो लड़की पसंद है शादी कर ले, रहने के लिए घर और जीने के लिए ₹20,00,000 पड़े यहां। इससे ज्यादा और कुछ तुझे चाहिए ना तो जीजा जी उठा के दे देंगे। क्या मैं एक बार काजल से मिल सकता हूं? हाँ, अगर ये मुलाकात तुम्हारी आखिरी है तो जरूर मिल सकते हो। चलिए आखिरी मुलाकात ही सही। काजल। हाँ डैडी। राजा। काजल अपना दिल मजबूत कर लो, क्योंकि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो शायद तुम बर्दाश्त ना कर सको। जिंदगी की छोटी से छोटी खुशी के लिए बहुत तरसा हूं मैं, लेकिन आज मुझे वो सब कुछ मिल गया जो भगवान ने मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा था। इस ब्रीफकेस में ₹20,00,000 हैं और एक फ्लैट के कागजात हैं जिन्हें मैंने कबूल किया है और मैं मधु से शादी कर रहा हूं। नहीं राजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूं काजल। नहीं राजा, तुम बिकाऊ नहीं हो। मैं बिक चुका हूं काजल, शादी कर रहा हूं इस लड़की से। नहीं मान सकती मैं राजा, नहीं मान सकती। जिसे मेरी जिंदगी अपनी जान से ज्यादा प्यारी हो उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं हो सकती राजा, नहीं हो सकती राजा, नहीं हो सकती। सुन लिया आपने सेठ दुर्गेश महेश्वरी? अगर मैं अग्नि के गिर्द किसी लड़की के साथ फेरे ले भी लूं तो भी उसे यकीन नहीं आएगा कि मैं उसके साथ शादी कर रहा हूं। और उस यकीन की लाज रखने के लिए मैं अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन अपनी जान की जान नहीं ले सकता। शाबाश राजा, शाबाश। तुमने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत करने वाले मिट तो सकते हैं लेकिन बिक नहीं सकते। ए लड़की, इसने बदतमीजी के छींके क्या उड़ाए? तू भी बरसाती मेंढक की तरह तरतराने लगी। छींटे नहीं मामा, सैलाब आने वाला है, हो सके तो अपने आप को इसमें बहने से बचा लीजिए। बाके
जाके जीरा को कॉन्टेक्ट करो। अबे ये क्या हो रही है? अबे कोई झूठी है जो उसके तल्ले में किला ठोके हो? जीरा भाई ये कलीम दल्ले का आदमी, उसने सुपारी दी आपको टपकाने की। अच्छा मुझे टपकाने की? अच्छा है, अच्छा है। वैसे भी जिंदगी में एक मौका तो मिलना ही चाहिए। नहीं तेरे को भी एक मौका देता हूं, ये ले चल खर्च कर दे मुझे। अभी ले, अबे टुकुर टुकुर देख क्या रही है? मैं तेरे सामने हूँ, घोड़ा भरा हुआ है, वैसे भी कलीम दल्ले से माल तो ले चुका है। चल काम बजा दे मेरा, चल 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 खर्च, चल खर्च कर दे मुझे, खर्च कर दे। हाँ शाबाश शाबाश। देख क्या रही है, मार तेरी तो। चिरा भाई मुझे माफ कर दो। नहीं चिरा भाई, अरे बाबू चिरा मारता नहीं, चीर देता है, समझा? फिर दो हराम जादे को समंदर में उठाकर मछलियां दुआएं देंगी। अरे चीरा भाई भाई चीरा भाई, ये पान के छींटे तो नहीं हो सकते? पान की पीक आसमान तक तो पहुंच सके भाई, लेकिन चीरा का चेहरा हवाएं भी उसकी मर्द के खिलाफ छू नहीं सकती। समझ लिया ना मैं क्या कर रही हूं? समझ। काम बोल क्या है? चीरा भाई, जीजा जी की बेटी को एक लौंडा प्यार का चारा डालकर फंसा रहा है। वो सारा दामाद बनकर जायदाद का वारिस बनने का ख्वाब देख रहा है। अच्छा? मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए उसे गहरी नींद सुला दो। कौन है वो लौंडा? हाँ ये ये हाँ अबे इतना काला गोश्त तो चीरा है कुत्ते भी ना खावे। अरे चीरा भाई, इस चूजे को मारने के लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कभी हाथी के शिकार के भी नहीं मिले होंगे। राजा 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 काजल, तुम इस तरह यहाँ क्या बात है? राजा तुम यहाँ से प्लीज भाग जाओ, मेरे पापा ने तुम्हें मारने के लिए गुंडे भिजवाए हैं। ओह वो लोग बहुत खतरनाक है राजा, वो कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी हमदर्दी देखकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है, इतना कायर समझती हो तुम मुझे? मुझे तुम्हारी बहादुरी पे कोई शक नहीं राजा, डरती हूँ तो अपने आप से, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राजा। अगर हमारे नसीब में एक होना लिखा है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। तुम अभी इत्मीनान से घर जाओ। राजा प्लीज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना राजा प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ, बोलो किसी भी वक्त। मैंने कहा ना काजल, तुम घर जाओ। चल बेटी अंदर चल। खबरदार, तुम्हें से अगर किसी ने राजा को हाथ लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या पागल बनेगा चल? मौसी मौसी, राजा को गुंडे लोग मार रहे हैं। कहाँ? वहाँ पे। राजा, 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 छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे उसे, छोड़ दो, राजा, राजा, छोड़ दो उसे। मेरे राजा को मारने के गुंडे भिजवाए।
मौसी, ये क्या हो गया मौसी? भागो, भगवान से तेरे लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करने गई थी और देख उसने मेरी सुन ली। तुझे अपनी उम्र दे जाती हूँ रे। ऐसा मत बोल मौसी, ऐसा मत बोल। रो मत बेटे, अभी तो तुझे मैं मेरे हिस्से का भी जीना है। हाँ मौसी, हाँ, मैं जिंदगी में राजा का साथ नहीं छोड़ूंगी। और वो दोनों अब तक भाग रहे हैं, बस भाग ही रहे हैं वो गुंडों से बचते हुए। लेकिन यहां रुककर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है, मगर हमारी बेबसी यह है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते और ना ही ज्यादा दिनों तक तुम इस छत के नीचे छुपे रह सकते हो। आज नहीं तो कल वो गुंडे तुम्हें तलाश कर ही लेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम काजल को लेकर कहीं और चले जाओ। किशन, तुम घर चलो। अच्छा दोस्त, हमारी मोहब्बत तुम्हारे नमक की कर्जदार रहेगी। नहीं दोस्त, तुम मत जाना। आओ काजल। दोस्त, रुक जा दोस्त। बहुत थकाया ना तू साले, बहुत दौड़ाया, लेकिन आज के बाद दौड़ना तो बहुत दूर, तू रंग भी नहीं पा गया। मेरे दूध को मत मारो, मेरे दूध को मत मारो, मेरे दूध को मत मारो, मत मारो मेरे दूध को, मेरे दूध को मत मारो। मेरे दूध को मत मारो, मत मारो मेरे दूध को, मेरे दूध को मत मारो, मेरे दूध को मत मारो, मत मारो मेरे दूध को। Ah!
दो किशन, इन आंसुओं की डोली में आज मेरा दर्द विदा हो रहा है। राधा देखो हमारे घर कौन आया है। ये आज से ये दोनों यहीं रहेंगे। ठहरिए, इस मेहरबानी से पहले मैं वो वजह जानना चाहता हूं जिसने आपको यातायात बदल दिया। वो शख्स जो चंद घंटे पहले बच्चों जैसी हरकतें किया करता था, जिसमें ना बात करने का सलीका था ना सोचने समझने की सहालियत, अचानक उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो अकेला बहुत से गुंडों का मुकाबला कर सके। तुम्हारे किस रूप को असली माना जाए, ये या वो? हकीकत क्या है और नाटक कौन सा, बोलिए जवाब दीजिए। तुम खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते, बोलिए सच क्या है? नमस्ते जी, तुम्हारी तपस्या भगवान ने पूरी कर दी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। भाभी जान, बाबा, भाभी जान, आजा 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 आजा। क्या हुआ बटन भाई, क्यों इतने पसीने पसीने हो रहे हैं? आपके शोहर की लखनवी शेरवानी और अवधी पजामा सीने के चक्कर में हम इतना दौड़े हैं, इतना दौड़े हैं कि वो पीटी उषा भी क्या ओलंपिक में दौड़ी होगी। बस उनके डील डॉल का, डील डॉल, उनके नाप का कोई आदमी मिल जाए ना तो हम उसका नाप लेकर उनके कपड़े सी डाले। अरे मिल गया भाभी जी, मिल गया, आपका काम हो गया, हो गया समझ लो। अरे आधा वर्ष हुजूर। आदाब। नाचीज को बटन अली शेरवानी कहते हैं। कहीं वालिद का नाम सुई खान कैंची तो नहीं? अरे सही पहचाना, आपको कैसे मालूम? क्या चाहिए? आपका नाप चाहिए हुजूर। क्या मतलब? ये मोहतरमा जो है ना उनके खाबीन है, दुनिया का आठवां अजूबा है। उम्र में हो गए आप जितने, लेकिन नामकूल बच्चों जैसी हरकतें करता है। शैतान भी उस गली में नहीं जाता जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ होता है। अच्छा तो बस एक बार आपका नाप मिल जाए ना तो इनके खाबीन के जन्मदिन का जोड़ा सिल जाए। ठीक है, मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। इजाजत लेनी पड़ेगी? किसकी? एक औरत से। अरे हद होती है शराफत की, नाप आपका लेना है और आप औरत की इजाजत लेना चाहते हैं? क्या करें, वो औरत मेरी बीबी जो है। तो इजाजत लेनी ही पड़ेगी। चलिए चलिए जनाब। ये अल्लाह हुजूर, आप अभी जाना, आपने बताया नहीं, आप ठीक हो गए? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, खुदा आप दोनों की जोड़ी को ता कयामत तक सलामत रखे। ये तो बहुत कम है। खुदा इन्हें लंबी उम्र देना। ये अच्छा हुजूर, चलते आदाब। अरे कहाँ जा रहे हैं,
नाप तो लीजिए। अरे भूल गया। आप मेरा नहीं, इन सब का लीजिए और इनके लिए कपड़े बनवा दीजिए। पैसे मुझसे ले जाना। खुशबू। आदाब। आदाब। खुदा तेरा हर काम निराला है। आ भैया आओ, अपना अपना नाप दे दो। आइए आइए आइए, दौड़ो दौड़ो बात। अरे आराम से। अरे अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे रुको, बुदबुदी हो रही है। क्या कर रहे हो भैया? गिर जाऊंगा मैं। अरे बबलू, ये क्या कर रहा है तू? हम लोग तो चार हैं, तू पांच क्यों लिख रहा है? इसीलिए आदमी का थोड़ा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अरे एक मैं, दूसरा तू, तीसरा चिंटू, चौथा हरबू और पांचवा अपना किशन। हुए ना हम पांच, एक मुट्ठी की पांच उंगलियां। लेकिन बबलू, अंगूठा गुल हो गया है। किशन अभी अपनी टोली में नहीं है। सब बोलते हैं कि वो एकदम बदल गया है, इसीलिए तो इतने दिनों से हमारे साथ खेलने भी नहीं आया। देख आ गया अपना अंगूठा। किशन, ए किशन, कहाँ था तू इतने दिनों से? बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, इसे बदतमीजी कहते हैं। ये क्या उठपटांग लेकर दीवार खराब कर रहे हो? चिंटू बोल रहा था किशन बदल गया है। इतना फास्ट? क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तेरा स्टाइल जो बदल गया है। मैंने कहा था ना कि बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। अभी तो एकदम से बड़ा हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करें? ए बबलू, दीवार साफ कर दे इसकी, नहीं तो ये हमें मास्टर जी की तरह सिखाने लगेगा। अरे तुम लोग तो नाराज हो गए। खुश होने का कोई काम किया है तूने? चलो रे। मैं शर्त लगाता हूँ, तुम लोग जा नहीं सकते। कौन रोकेगा हमको? ये चॉकलेट मीठी होती है, लेकिन दोस्ती उससे भी ज्यादा। जब वही खट्टी हो गई तो इसका क्या करेंगे? ना रोटो तुम माफी दे दो, टुकर टुकर क्यों देख रहे हो? एक है हम पांचों की गोटी, हम पांचों है यार लंगोटी। ना रोटो तुम माफी दे दो, टुकर टुकर क्यों देख रहे हो? एक है हम पांचों की गोटी, हम पांचों है यार लंगोटी। इस तरह टहलने से क्या मेरी बेटी घर आ जाएगी? इस शहर में इतने बड़े आदमी हैं आप, नाम है, पैसा है, पहुंच है, फिर कुछ करते क्यों नहीं? पता नहीं मेरी बेटी कहां होगी, किस हाल में होगी। अरे बहना, मैंने जीजा जी को कितना समझाया कि पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दें। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है बाकी। क्या चाहते हो तुम लोग? अखबारों की सुर्खियों में यह लिखा जाए कि सेठ दुर्गेश महेश्वरी की बेटी एक दो टके के लौंडे के साथ भाग गई। सारे शहर में मेरी इज्जत का तमाशा बने। अरे बांके के होते हुए आपकी इज्जत का तमाशा कैसे हो सकता है जीजा जी? वो लौंडा मेरे आदमियों की तलवार से ज्यादा दूर नहीं। बहुत जल्द उस हराम की जने की लाश आपके कदमों में होगी। बांके, तुम्हारे उन गुंडों को कह देना कि अपने हथियार जरा संभाल के चलाए, क्योंकि उस दो टके के लौंडे के साथ सेठ महेश्वरी की बेटी भी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं काजल, तुम्हारी तस्वीरें इस घर में क्या कर रही हैं? क्या रिश्ता है तुम्हारा किशन से? मुझे खुद नहीं मालूम राजा। नहीं मालूम या बताना नहीं चाहती? तुम होश में तो हो राजा? नहीं हूं, मैं होश में नहीं हूं काजल। सवालों की बर्छियां हैं जो मेरे दिलो दिमाग को छेद रही हैं। किसी करवट चैन नहीं है मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की की खातिर मैंने अपनी मौसी तक गंवा दी, जिसके पागलपन में मैं अपनी जान हथेली पर लिए भागा भागा फिर रहा हूं,
वो देखो काजल, इन तस्वीरों का ताल्लुक तुमसे है और तुम्हारा ताल्लुक मुझसे, लेकिन किशन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे पहले किशन को जानती हो, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा और किशन का जायज नाजायज कोई ना कोई संबंध है। हाँ संबंध है, हाँ इसका और मेरा संबंध है, और यह भी सच है कि तुमसे पहले मैं इसकी जिंदगी में शामिल था। उस वक्त से जब इसके हाथों से खिलौने भी नहीं छूटे थे। भैया भैया दिखाइए ना भैया। नहीं प्लीज भैया, भैया नहीं। अरे क्या हो रहा है ना भाभी, भैया हमारी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, दिखा दो ना। देखो दादा मेरी बात सुनो, मैं इसे समझा रहा हूँ कि ये तस्वीरें एक बंदरिया की हैं, लेकिन ये मानती ही नहीं। बंदरिया की है तो बंदरिया किसे दिखाई हमें? अगर बंदरिया बुरा मान गई तो ठीक है, मत दिखाइए। क्या क्या कर रही हो भाभी? हाँ तुम चुपचाप खड़ी रहो दो मिनट। खुल जा सिम सिम। भैया अगर आप काशकार ना होते तो बहुत बड़े फोटोग्राफर होते है ना, हर तस्वीर लाखों में एक, और ये बंदरिया करोड़ों में एक, और हमारे भैया भाभी सारी दुनिया में एक। आप अपने तौर तरीके बदल लीजिए, भाई बहन तो ऐसे झगड़ते हैं कि पूछो मत। अब ये बच्ची नहीं रही, पूरे 18 साल की हो गई है। क्या ये मेरी पगली 18 साल की हो गई है? अभी तक तो उसके कांधे से बचपना नहीं उतरा, एक हाथ शरारतों ने थमा है तो दूसरा बेवकूफी ने। कौन कहेगा कि ये 18 साल की हो गई है? आप क्या चाहते हैं हम एकदम से सीरियस हो जाएं, एकदम से संजीदा खड़े हो? अरे बाबा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तेरी शौकी तो इस घर का उजाला है, तेरा बचपना इस आंगन की रौनक, और तेरी शरारतों में हम दोनों की जिंदगी सांस लेती है। तिंग 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 तिंग। ये क्या किया भैया, हमारे बाल खराब कर? हमारे बाल खराब कर दिए? स्कूल जाने के लिए मैं ही तेरी चोटियां मनाया करता था, तेरी भाभी बहुत बाद में आई है मैडम। उस वक्त हम बच्चे थे, अभी कॉलेज जाते हैं। ओह गॉड, हम तो भूल ही गए हमें कॉलेज जाना था, हम तो चले। ए, जल्दी आना, तेरी बर्थडे की ड्रेस खरीदनी है। जी भैया। हर चीज उसकी पसंद की लाते हो, क्या दूल्हा भी उसकी पसंद का लाओगे? ऑफ कोर्स, जैसा तुमने पसंद किया था अपनी पसंद का दूल्हा। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो, वो आ जाएगी। अरे कोई नहीं आएगा। अच्छा भैया हम चले, बाय। ओके किशन साहब। अरे आओ महेश, बैंक से रुपया लाए हो? आज तो इतवार है। अरे हाँ इतवार है, तो ये किरण कहाँ गई? कभी चढ़ते ना उतरे ये क्या की मस्ती है, फूलों में कलियों में
जल्दी चलियो दिल डूब रहता है ओ, दिल डूब रहता है कैसी रंगी दलियों में मस्त फिजाओं में खुशबू क्यों उड़ती है रब जाने रब जाने रब जाने भाई रब जाने माने 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 भाई माने जब सच्चे दो प्रेमी दुनिया में आते हैं मिलजुल के प्यार करो हमको समझाते हैं ये आग हवा पानी बहती हैं ये नदियाँ ये प्यार रहता है ओ, ये प्यार रहता है बीती कई सदियाँ ना जाने दुनिया मोहब्बत से क्यों डरती है रब जाने हे रब जाने हे रब जाने भाई रब जाने हुमाने 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 भाई हुमाने 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 भाई हुमाने कुड़िया के मुंडिया दी ओ कुड़िया के मुंडिया दी आग जब जब लड़ती गए ना जाने उन दोनों को कैसी मस्ती चढ़ती गए हुमाने हुमाने Happy birthday. भैया हमारे गिफ्ट गिफ्ट तुम्हें लाने वाला था लेकिन तुम्हारी भाभी ने मना कर दिया कहने लगी कि इस बार तोहफा हम दोनों मिल कर देंगे तो दीजिए हमारा तोहफा अभी लाई पैकेट जरा बड़ा है आइए सूरज सूरज जी शर्माइए मत चलो ये लीजिए कैसा लगा ये सरप्राइज पैक मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे थैंक यू भाभी आप हमारी जासूसी कर रही थी भाई जब चहेती ननद इतवार को भी कॉलेज जाना शुरू कर दे तो भाभी को तो शक हो गई मैंने सोचा जरा पता तो करूं कि ये एक्स्ट्रा क्लासेस कहाँ हो रहे हैं और किस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है तो इश्क के कॉलेज में मोहब्बत का सबक पढ़ाने वाले प्रोफेसर आप ही हैं देखिए प्लीज आप और कुछ मत कहिए वरना मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगा नर्वस लगते तो नहीं भाभी मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि मैं किरण से प्यार करता हूँ हाँ शर्मिंदगी है तो इस बात की कि आपको पता चलने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए हमने कितनी बार कहा कि भैया से बात कीजिए लेकिन इनमें हिम्मत कहाँ चलो हिम्मत हम कर लेते तुम्हारे डैडी मम्मी से हम बात कर लेंगे जी वो मम्मी डैडी तो इस दुनिया में नहीं है हाँ बड़े भैया हैं नमस्ते मुझे चंद्र प्रकाश सानिया कहते हैं नमस्ते मेरा नाम किशन बंसीधर है जानता हूँ भाई इस इलाके के लोग तो क्या पेड़ पौधे भी आपके गुण गाते हैं नए नए तरीकों से कम मुद्दत के अंदर आप फलों की ऐसी फसल करते हैं कि हर साल सरकार आपको इनाम देती है कहने को तो ये काम खेती बाड़ी का है छोटा काम है लेकिन अच्छी खासी जायदाद बना ली आपने 70 एकड़ जमीन पोल्ट्री फार्म खुद की आलीशान कोठी
सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि मैं आपको तब से जानता हूं जब से आपके पिताजी मेरी खेती की मट्टी में गोबर मिलाने का काम करते थे। अब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। जी हाँ, लोग कहते हैं कि जब तक पिताजी आपके बागों के साथ जुड़े रहे, आपके फलों की मांग थी। वो क्या गए कि आपके दरख्तों ने भी दम तोड़ दिया। ठीक कहा आपने, वैसे भी फलों की तिजारत में दिलचस्पी नहीं रही, अब तो ठेका लेते हैं, जंगल के जंगल काट कर बेच देते हैं, यू नो, टिम्बर, लकड़ा, वुड। अब आपकी आड़ियों में भी जंग लगने वाला है, क्योंकि सरकार ने पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगा दी है। क्या फर्क पड़ता है, अब एक बिजनेस तो है नहीं हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कपड़ों की मिलें हैं, 200 ट्रक चलते हैं, दवाई बनाने की फैक्ट्री है, हमारे मजदूरों की मजदूरी इतनी है एक महीने की जो आप जिंदगी भर नहीं कमा सकते हैं। अब माफ करना कृष्ण, मेरा मतलब आपको बेइज्जत करना नहीं था। नहीं चंद्र साहब, मुझे यकीन है कि आप इतने कमजोर नहीं हैं कि घर आए हुए मेहमान को जलील करें। आखिर आपके घर के नमक की तासीर मेरे खून में है। ये तो आपकी बेबाकी देखकर ही लग रहा है। ये लीजिए, शरबत पीजिए। चंद्र साहब, मैं आपको अपने यहां आने की वजह बताना चाहता हूं। मेरी बहन किरण और आपका भाई सूरज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मैं इस मोहब्बत को रिश्ते का नाम देना चाहता हूं। मुझे यकीन है अपने भाई की खुशी के लिए आप इनकार नहीं करेंगे। कृष्ण बाबू, हमने सोचा था कि हमारे बर्ताव से आप मकसद की बात किए बिना ही चले जाएंगे, लेकिन सच कहा आपने, हमारे नमक की तासीर ने आपको इतना हौसला दे दिया कि आप रिश्ते की बात करने के लिए रुक ही गए। तो आप सुन, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या कहा चंद्र प्रकाश ने, बोलिए ना। एक ग्लास पानी ले आना। अभी लाई। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? कौन कहता है कि जमाना बदल गया है, जात पात ऊंच नीच का फर्क खत्म हो गया है। कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ। ठाकुर चंद्रप्रकाश सन्याल ने मुझे मेरी औकात बता दी है, उसने साबित कर दिया कि मैं तेरी पसंद का सुहाग का जोड़ा तो ला सकता हूं, लेकिन तेरी पसंद का सुहाग नहीं ला सकता। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा तेरी खुशी के लिए, उनके पैर पकड़ लूंगा, मगर तेरी शादी में नहीं करनी हमें शादी। हमारे भैया हमारा गर्व है, भीख में मिले सिंदूर को मांग में जगह देने के लिए हम अपने भैया को किसी के कदमों में नहीं बिखेर सकते। ये तिलक हमें सिंदूर की लाली से ज्यादा प्यारा है भैया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। हमारे भैया का अपमान करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम्हारी नाराजगी गलत नहीं है किरण, लेकिन मैं भी तो गुनहगार नहीं। भैया ने तुम्हें अपनी बहू बनाने से इनकार किया है, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने से इनकार नहीं किया।
इस दुनिया में ऐसे दौलतमंदों की कमी नहीं है किरण, जो सोने की प्लेट में खाना तो खाते हैं लेकिन ये नहीं मानते कि उसमें परोसी रोटी आटे की होती है। और वही दो वक्त की रोटी मैं तुम्हें पूरे मान सम्मान और प्यार के साथ देने का वादा करता हूं। अब बोलिए, आप अपनी बहन का हाथ इस गरीब के हाथ में देंगे? इजाजत मांगकर तुमने मुझे जो इज्जत दी है, तुम्हारे भाई की दी हुई जिल्लत भूल गया मैं। ये शादी होगी सूरज, और तुम देखना चंद्र प्रकाश खुद आशीर्वाद देने के लिए यहाँ चल कर आएगा। हरिओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमिव गणं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुवरणं सर्वलोकैकनाथं नमामि। ओम कन्या को बुलाइए, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनयो हरिः। घटिये ओम वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, गठबंधन कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी। रुक जाओ, हैरान क्यों हो गए किशन बंसीधर? तूने ही तो हमें न्योता दिया था। अगर आशीर्वाद देकर बहू ले जाना है तो सर आंखों पर। बहू? अबे तेरी बहनों जैसी लड़कियों को तो हम नौकरानी तक नहीं रखते। चंद्र प्रकाश, आप ठाकुर सूरज प्रकाश की होने वाली पत्नी को गाली दे रहे हैं। गाली तो तू दे रहा हरामजादे, हमारे मान मर्यादा और सम्मान को जिनकी नजरें हमारे जूते से ऊपर तक उठती नहीं थी, आज तू उनको बराबरी का दर्जा दे रहा है। जिनके हाथ हमारी हवेली का कूड़ा करकट साफ नहीं कर सकते थे, उन्हीं की कलाई पर ठाकुर वंश के कंगन पहना रहा है। नहीं छोटे, नहीं, ये अनर्थ होने से पहले मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा मैं। चंद्र प्रकाश, शुभ कार्य में बाधा डालने की कोशिश मत कर। डर मत, अबे तेरी बहन की औकात तो इस बंदूक के कारतूस से भी बहुत कम है। लाश तो मेरे भाई मेरे छोटे की गिरेगी, जिसने हमारे खानदान हमारे कुल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। चंद्र प्रकाश, अब ये तेरा भाई नहीं मेरी बहन का सुहाग है, और जब तक इस शरीर में सांसें हैं मैं अपनी बहन के सुहाग पर आंच नहीं आने दूंगा। किशन भैया, आपने अपनी बहन का हाथ ठाकुर सूरज प्रकाश सान्याल के हाथ में दिया है, किसी नपुंसक के हाथ में नहीं। और वैसे भी ठाकुरों के इतिहास में डोलियां लाशों के ढेर के ऊपर से भी उड़ जाती हैं। मैं देखता हूं ये शादी कौन रोकता है। आप आके गठबंधन करें। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। ओम अभिनेता बिना साहा, ओम किरण, चलो यहां से।
सूरज, सूरज, सारा, नहीं किरण, नहीं, नहीं, सूरज, किरण, नहीं, सूरज, किशन, दिमाग के इस हिस्से में चोट लगने के कारण इंसान या तो कोमा में चला जाता है या फिर अपनी याददाश्त खो बैठता है। लेकिन आपके पति के साथ तो बहुत ही अजीबोगरीब हादसा हुआ है। वो इस चोट के कारण उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जिसे हम बचपन कहते हैं। आपके पति शरीर से तो एक मर्द हैं, लेकिन तौर तरीके, रहन सहन और बोलचाल से वो अब एक 6 या 7 साल के बच्चे बन चुके हैं। जिंदगी के वो 2 साल मैंने कैसे गुजारे मेरा भगवान ही जानता है। ये मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैं मायूस नहीं हुई। मैं जानती थी कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है और इसका नतीजा मेरे हक में ही होगा। और देखो ना, ऐसा ही हुआ। तुम दोनों इस घर में क्या आए, मुझे मेरा भगवान मिल गया और इन्हें काजल के रूप में इनकी बहन किरण मिल गई। किशन भैया, किशन भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शक किया। मुझे माफ कर दो। साल तक ये कलाई सुनी रही ना, लेकिन जब तक मेरे जिसमें सांस है ये कलाई कभी सुनी नहीं रहेगी। अपनी बहन की शादी का कर्ज मुझ पर उधार था, वो कर्ज तुझे डोली में विदा करके अदा करूंगा मैं। ना भैया ना, आपकी बहन तो डोली में उसी वक्त बैठेगी जब आप भाभी का भी उधार चुकता कर दोगे। इसका उधार? हाँ भैया, राम के वनवास में तो सीता उसके साथ थी, लेकिन इस राधा ने ये 2 साल का वनवास अकेले ही काटा है। 2 साल में जितने आंसू बहाए हैं उसके बदले उतनी ही खुशियां और प्यार डाल दो इनके दामन में।
झुमका डोले बोले कंगना, खुशियों से मर न जाऊं आज सजना। एहसास हुआ आज पहली बार, प्यार का एहसास हुआ आज पहली बार। अब ये तमन्ना है मेरी दोबारा हूँ यार मैं तो तेरे प्यार में, हाँ मैं तो तेरे प्यार में, ओ, 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 ओ मैं तो तेरे प्यार में। तेरी प्रेम कहानी जाने कहाँ खो गया ओ मेरी रानी, मैं तो तेरे प्यार में, हाँ मैं तो तेरे प्यार में, ओ, 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 ओ मैं तो तेरे प्यार में। कुछ होने लगा रे फिर तू मुझे ढूंढेगी मैं खोने लगा रे, मैं तो तेरे प्यार में, हाँ मैं तो तेरे प्यार में, ओ, 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 ओ मैं तो तेरे प्यार में। एक मिनट, एक खास बात बताना तो भूल गया मैं। क्या? देखो ना, नजर नहीं आ रहा तुम्हें। चाचा, मैंने क्या किया? इसमें लिखा है। अरे जीजा जी, बहना, अरे मुबारक हो, मुबारक हो। दीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या भैया, घर में मातम छाया हुआ है और तुम जश्न मना रहे हो, मिठाइयां बांट रहे हो। यही तो रोना है। अरे इस घर में मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। आज एक नहीं दो खुशखबरी लेके आया हूँ। लंदन से सेठ पीताम्बर बजाज का लड़का विकी आ रहा है। अरे जिससे हमारी काजल का ब्याह तय हुआ है। तेरी अकल क्या खास समझेंगे ये बातें? ये खुशखबरी? विकी आ रहा है और काजल घर में नहीं है, क्या जवाब देंगे उन्हें? अजी यही बात तो बताने के लिए आया हूँ मैं आपको। हमारी बिटिया चंदनपुर में किसी किशन के घर में रह रही है। सच? हमारी बेटी मिल गई? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। चाहिए हमारी बेटी को लाई। अरे बबलू, चिंटू बात है वहां से। चिंटू,
अरे काजल कहाँ हो? अरे वाह वाह अरे राजा राजा ए पकड़ लिया राजा अरे पकड़ लिया काजल दीदी आओ छोड़ो ना राजा नहीं छोड़ो छोड़ो ना काजल दीदी आओ प्लीज छोड़ो प्लीज राजा छोड़ दूँ आओ बच्चे देख रहे हैं छोड़ो ना आउट बहुत मुश्किल से हाथ आई हो राजा प्लीज अरे तुम तो आउट हो चुकी हो भाग आ रही हो हाँ, वो तो हमने भी देखा है काजल दीदी आउट हो चुकी है अब तुम्हारे पट्टे बांधेंगे चलो काजल दीदी चिंटू तब यू कहाँ तुम राजा चिंटू राजा आओ, आओ ना, आओ, आओ। आउट, 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 आउट। अरे क्या हुआ काजल माँ बाप के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि औलाद उनके साये से भी दूर भागे ये दूरी करीबी में बदल सकती है बस आप दोनों को अपना फैसला बदलना होगा हमारी मौजूदगी इस बात की दलील है कि हम बदल चुके हैं मैं नहीं मानता किशन भैया इसमें भी इन लोगों की कोई चाल है तुम्हारा शक करना जायज है बेटे क्या कुछ जुल्म नहीं ढाया हमने तुम पर लेकिन कयामत हम पर भी आई है तुम्हें काजल से दूर करने की कोशिश में हमने अपनी बेटी गंवा दी मुझे दुनिया वालों का खौफ नहीं है लेकिन घर की दीवारें मुझसे पूछती हैं कहां है तुम्हारी बेटी सुमन इसके कमरे में बैठी इसके कपड़ों को लिपटाए रोती रहती है कभी इसकी किताबों को चूमती है कभी इसकी तस्वीरों को लिपटाती है हराहट पर दादी बात चौंक कर पूछती है आ गई मेरी काजल और मैं मेरे पास इन्हें तसल्ली देने के लिए शब्द तक नहीं बचे डैडी बेटा बेटी को तो गले लगा लिया दामाद को गले नहीं लगाओगी आजा बेटा किशन साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बच्चों को पनाह दी अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं बेशक मगर इन दोनों की शादी के बाद लेकिन काजल तो 18 साल की नहीं हुई हम जानते हैं भाभी जी इसलिए हम इन दोनों की सगाई कर देना चाहते हैं आपका फैसला सर आंखों पर बस एक विनती है अगर इन बच्चों की सगाई हमारे यहां होती तो इन्हें अपनी दादी का आशीर्वाद मिल जाता बाकी जैसी आपकी मर्जी दादी माँ का जिक्र करके आपने मुझे मजबूर कर दिया जाओ काजल ए राजा अपनी सगाई में इस भैया भाभी को बुलाना मत भूलना गॉड ब्लेस यू अच्छा इजाजत दीजिए नमस्ते जा चलो राजा आओ काजल नमस्ते जी नमस्ते माँ दादी हाँ ओ माँ दादी माँ दादी मेरी बेटी काजल मेरी काजल मुझे
मुझे आपकी बहुत याद आई माता दी। कहाँ गई थी माता दी? दादी माँ हाँ? इसे ऊपर ले जाइए। चल चल मेरे साथ चल, भगवान ने मेरी सच मुझ सुन ली। आ गई मेरी जान में जान आ गई। अब तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? तुम क्या समझते हो कि तुम्हें यहाँ शादी कराने के लिए लाए हैं? भूल जाओ काजल को, क्योंकि उसकी शादी लंदन के सबसे कामयाब बिजनेसमैन पीतांबर बजाज के बेटे विक्की से होने वाली है। तूने ही कहा था ना, सैलाब आने वाला है, हमें बच के रहना चाहिए। अरे तू तो एक तिनके की तरह जीजाजी की एक फूंक से उड़ गया। अब तू यहां से जाता है या धक्के मार के बाहर निकालूं? अरे अबे वहां कहां जा रहा है तू? जीजाजी माता जी हाँ? किशन भैया और राधा भाभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ? वो दोनों मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते अच्छा? हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ? प्रणाम दादी माँ। जीते रहो बेटा। आओ काजल। राजा हाँ? चलो काजल। क्या हुआ? अरे काजल You are under arrest. मैं तुम्हें एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी मामा। बेवकूफी मत कर, अभी तो तेरे डैडी ने उस कमीने को सिर्फ पुलिस में पकड़वाया है। अगर तूने इस सगाई से इनकार कर दिया तो ऐसा ना हो कि वो पुलिस स्टेशन से जिंदा ही ना लौटे। जल्दी से तैयार हो जा। माँ के सारा इंतजाम तो ठीक से हो गया ना? उसकी फिक्र मत कीजिए आप। भाई ये क्या बात हुई, आज सगाई का दिन है और पीतांबर जी अभी तक नहीं आए। जी वो अंकल। अरे जीजा जी, आप उनके कारोबार को तो अच्छी तरह जानते हैं, कभी लंदन तो कभी न्यूयॉर्क तो कभी हांगकांग। उन्होंने कहा है कि सगाई के शुभ कार्य को ना रोकें, परसों की फ्लाइट से हिंदुस्तान आने वाले हैं। जी आ गई। हाँ? आओ बेटी आओ। जीजा जी शुरू कीजिए ना। हाँ हाँ। ये लो बेटा। ये लो बेटा। कहाँ चले? Stop it! क्या बात है इंस्पेक्टर? इन साहब का यह दावा है कि लड़की आपकी बेटी नहीं बल्कि इनकी बहन है। What nonsense! सारा शहर जानता है कि काजल दुर्गेश महेश्वरी की बेटी है, लेकिन इनका कहना यह है कि ये इनकी बहन किरण है। अरे वाह इंस्पेक्टर, कल को ये किसी भी खूबसूरत लड़की को कहेंगे कि वो इनकी पत्नी है, क्या आप मान लेंगे? इनके पास सबूत है। देखिए इंस्पेक्टर, ये महज इस सगाई को रोकने की एक नाकाम कोशिश है। जी नहीं, ये इस सगाई को रोकने की मुकम्मल कोशिश है। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं बौखलाया करते। लेकिन कभी कभी मामूली चींटी भी हाथी के लिए जानलेवा साबित होती है। सुमन, काजल का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह लेकर आओ। जी। लीजिए। ये रहा मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, ये उसका आइडेंटिटी कार्ड और ये उसका पासपोर्ट, देख लीजिए।
ये बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक मेरी बेटी को अभी बालिग होने में 2 हफ्ते बाकी। अगर बालिग हो गई होती तो आज उसकी सगाई पर नहीं शादी पर मौजूद होते आप लोग। मैं अपनी बहन की शादी तो राजा के साथ तय करना चाहता हूँ, और मेरी बहन की उम्र इस वक्त 20 साल है। यह रहा बर्थ सर्टिफिकेट और यह रहा पासपोर्ट। ये सब बनावटी है, जाली। आज के दौर में नकली क्या नहीं बन सकता इंस्पेक्टर? सबूत जाली हो सकते हैं, रिश्ता नहीं। हाँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काजल, तू हमारी बेटी है ना? इंस्पेक्टर को बता दे कि आदमी तेरा कोई नहीं लगता। आप बोलती क्यों नहीं? आप दुर्गेश महेश्वरी की बेटी हैं या कृष्ण बंसीधर की बहन? आप बोलती क्यों नहीं? मैं दुर्गेश महेश्वरी की बेटी नहीं, मैं किशन भैया की बहन किरण हूँ। काजल, ये क्या तमाशा कर रही है? तू होश में तो है काजल? क्या कह रही है तू? भैया घर चले। काजल, लुक मिस्टर, आइंदा किसी शरीफ आदमी पर गलत इल्जाम लगाकर कानून को गुमराह न करें। एक मिनट इंस्पेक्टर, रस्में दुनिया भी है, दस्तूर भी है और मौका भी। मैं आप सबके सामने अपनी बहन किरण की सगाई राजा से तय करता हूं। लो राजा, अंगूठी पहना दो। बेटी की सगाई पर ताली नहीं बजाओगे? चलो राजा। ओम नंदी मंगला काली भद्रकाली कपालनी द्वारका च सांसादी सासन। लीला, कितने बेसुरे हैं। उफ, तौबा तौबा तौबा, क्या कर रहे हैं ये लोग। ए चुप, शादी की शहनाई बजा रहे हो या मातम की? ऐसी शहनाई सुनकर तो मेहमान भाग जाएंगे। ठीक से बजाओ, ठीक से बजाओ, नहीं तो हम बजाकर दिखाएं। हैं, बजाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम सर्व मंगल मंगले श्री सर्वार्थ साधिके चरणी धन्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ओम अग्ने स्वाहा, ओम जलधे स्वाहा, ओम रावे स्वाहा, ओम केतवाय नमः स्वाहा। मिस्टर किशन, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? बहन की शादी करवाना जुर्म है। बहन की शादी कराना जुर्म नहीं है, लेकिन किसी की बेटी को बहलाकर जबरदस्ती उसकी शादी कराना जुर्म है। मैं साबित कर चुका हूं कि यह आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहन किरण है। कानून की नजरों में तुमने धूल झोंकी है। यह लड़की सेठ दुर्गेश महेश्वरी की बेटी है। तुम्हारी बहन तो आज से 2 साल पहले मर चुकी है। यह रही उसकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। मैं आपको और राजा को एक नाबालिग लड़की को बहकाकर
उसकी जबरदस्ती शादी करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर तो इन दोनों को अरेस्ट कर लो। राइट कम ऑन मूव। इसे कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। तूने हमारे घर में घुसकर विकी और काजल की सगाई रोकी थी ना, अब मैं इनकी शादी के लड्डू जेल में आकर तुझे खिलाऊंगा। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी मामा। काजल, कमिश्नर साहब, मेरे भैया और राजा को छोड़ दीजिए। सवाल ही नहीं उठता भांजी, ये दोनों तो अब गए हैं। कमिश्नर साहब, आपने इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया है ना कि इन्होंने एक नाबालिग लड़की की शादी कराने की कोशिश की। जी डैडी, आज तारीख क्या है? 22 अगस्त। 22 अगस्त यानी आपकी बेटी का 18वां जन्मदिन। कानून के हिसाब से आज मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ और एक बालिक लड़की को उसकी मर्जी से शादी करने से धर्म, समाज और कानून कोई नहीं रोक सकता। Am I right? Yeah, that's right. इंस्पेक्टर, छोड़ दो इन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं कमिश्नर साहब? इस बच्ची का तो दिमाग खराब है, लेकिन आप तो समझदार हैं। रोकिए इसे। इस भूखे नंगे से शादी करके अपनी जिंदगी नरक बना रही हो तो सिवाय गरीबी और जिल्लत के ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। जिंदगी के 18 साल तुम ऐशो आराम में पली हो और तुम्हारी बाकी की जिंदगी में 18 मिनट की खुशियां देने की औकात नहीं है इसकी। आप 18 मिनट की बात करते हो डैडी, मैं तो राजा के साथ 18 जन्मों का दुख भी खुशी से बांटने को तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं होने दूंगा ये शादी, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मिस्टर महेश्वरी, आप अपने जज्बातों पर काबू रखिए। अगर आप ये शादी रोकने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इंस्पेक्टर चलो। क्यों मामा, इस मौके पर कोई मुहावरा याद आ रहा है? अरे तुम लोग चुप क्यों हो, बजाओ। ये मेरे बात। भाई साहब, हमें उम्मीद तो नहीं थी कि आप इस शादी में आएंगे, मगर आ ही गए हैं तो आशीर्वाद जरूर लेके जाइएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। किशन, किशन कैसे शादी? शादी मैं नहीं होने दूंगी। चल काजल, चल मेरे साथ, चल चल। दादी माँ, दादी माँ, मत हाथ लगा मुझे। मर गई तेरी दादी माँ। अरे तू कैसा बाप है रे, देख देख अपनी बेटी की बेबसी और लाचारी तो देख। दौलत और आराम तो तूने बेपनाह दिया उसे, लेकिन ममता की दौलत से वो हमेशा महरूम रही और तू औलाद की मोहब्बत से। बहू, सुना था कि बेटी के आंसू उसके दामन पर नहीं मां के दिल पर उतरते हैं, लेकिन तेरा कलेजा तो पत्थर का हो गया है, पत्थर का, जो उसकी चीखें सुनकर करवट तक नहीं लेता। और एक वो दिन क्या लगता है इसका, न खून का रिश्ता है न दूध का, सिर्फ भाई ही तो कहती है वो उसे।
लेकिन उस रिश्ते के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है, और तुम दोनों अपनी ही बेटी की जान लेने पर तुले हुए हो। बस दादी माँ, आपकी बातों ने मेरे ममता को झिंझोड़ दिया। अब मैं अपनी बेटी के साथ कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। हाँ। कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दो दादी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं काजल की खुशियां अब नहीं सुनूंगा। काजल की शादी वही होगी जहां वो चाहेगी। हाँ। उसकी शादी राजा के साथ ही होगी दादी माँ। हाँ दादी माँ, राजा के साथ। चीरा छोड़ दो इन सबको। अरे छोड़ कैसे दे दुर्गेश भैया। अरे काय का भैया, कौन सा सगा भाई हूं मैं तेरा? औलाद नहीं होती थी तो तेरे बाप ने मुझे गोद लिया था, और तेरे पैदा होते ही मक्खन से बाल की तरह मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं भी गिद्ध की तरह तेरी तेरे छत पर बैठा रहा। काजल के पैदा होते ही मैंने फैसला कर लिया था कि इसकी शादी मैं अपने बेटे विक्की से कराऊंगा। आपका बेटा? हाँ। अरे ये कोई पीताम्बर बजाज का बेटा नहीं है, बांके का खून है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। चीरा देख क्या रहा, ले चल, चल, चल। किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया। Oh!
नहीं 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 किसी नहीं, मेरे बेटे की जान बख्शे, हमें माफ कर दे किशन, हमें माफ कर दे, माफ कर दे। चल जा यहां से। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरिः ओम अग्न्याग्रं स्वाहा ओम अरुणदेवता नमः स्वाहा ओम पृथ्वीदेवता नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा। वाह राजा भैया, आखिर में टाका मार ही दिया ना, टाका लगा के। हाँ